कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरमनदीप सिंह विर्क के नेतृत्व में आज भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पेहोवा शहर के लोगों व्यापारियों से जनसंपर्क अभियान के तहत मुलाकात की। जानकारी देते हुए विर्क ने बताया कि भाजपा द्वारा पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग के साथ विश्वासघात किया गया है। 2014 से पहले जो हरियाणा प्रदेश अर्थव्यवस्था, विकास कार्यों व कानून व्यवस्था सहित हर वर्ग के लिए जनहित नीतियां लागू करने में देश भर में नंबर वन था, आज वही हरियाणा प्रदेश भाजपा के 10 वर्षों के कार्यकाल में बेरोजगारी, महंगाई, लचर कानून व्यवस्था, अपराध, फिरौती जैसे मामलों में नंबर वन बन चुका है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपक बावरिया के दिशा निर्देशानुसार भाजपा सरकार से पिछले 10 वर्षों का हिसाब लेने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के आगाज के तहत पेहोवा शहर में लोगों और व्यापारिक भाइयों से जनसंपर्क अभियान के तहत मुलाकात की। विर्क ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से पूछना चाहती है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों, सबसे असुरक्षित राज्य क्यों, घर घर तक नशा व ड्रग्स का साम्राज्य कैसे पहुंचा, सर्वाधिक महंगाई क्यों, 10 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए के 50 से ज्यादा घोटाले क्यों, दलितों, पिछड़ों वर्गों की अनदेखी, अग्निवीर व कौशल रोजगार के जरिए पक्की नौकरियां खत्म क्यों, सन 2014 में 2019 की चुनावी घोषणाएं क्यों नहीं पूरी हुई, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा तंत्र हुआ बर्बाद, इन्हीं सभी सवालों के जवाब की मांग को लेकर अभियान के तहत डोर टू डोर जाकर भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता के सामने रखा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, जिसकी शुरुआत 14 तारीख को हमारे आदरणीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयबान जी और दीपेंद्र हुड्डा जी ने शुरू करी, उसके तहत ही आज हम पेहोवा हल्का में मेन बाजार में इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और हम बीजेपी सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं कि जनता, आज हरियाणा की जनता आपके 10 साल के जो कामकार हैं उनका हिसाब मांग रही है, और उसके साथ ही हम ये संकल्प पत्र हरियाणा कांग्रेस का वो भी हम आम लोगों तक पहुंचाएंगे कि कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो उसमें कांग्रेस का जो संकल्प पत्र है उसमें जो भी कांग्रेस वादा करेगी वो सभी पूरा करेगी। इसी अभियान के तहत आज हम पेहोवा मेन बाजार में पहुंचे हैं।